श्रीनगर गढ़वाल में स्लॉटर हाउस की जगह नियम के विरुद्ध घर के अंदर मीट काटने के साथ खरीद फरोख्त का काम कर रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और मांस व्यापारी के घर पर खाद्य विभाग प्रशासन की टीम ने आज अचानक छापा मारा। इस दौरान प्रशासन ने घर में रखे फ्रिज से बेचने के लिए रखे गए 30 किलो से अधिक का चिकन और मटन बरामद किया, जिसके बाद टीम ने व्यापारी का चालान किया। इसके साथ ही पुलिस और नगर निगम के साथ ही खाद्य विभाग की टीम ने बरामद मांस को ट्रेंचिंग ग्राउंड में दबाकर नष्ट कर दिया। बता दें कि भाजपा से जुड़े मांस व्यापारी के नियम विरुद्ध मीट काटने के काम का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की टीम ने नेता के घर पर छापेमारी की। आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में ही जो है मांस का विक्रय कर रहा है और काट रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा था। तो उपजिलाधिकारी महोदय का ही मुझे फ़ोन आया, तो इसके बाद हमने जो है पुलिस को साथ में लेकर के, नगर निगम की टीम को साथ में लेकर के उस व्यक्ति के घर में जो है जाकर के दबिश की। तो वहाँ पर हमें फ्रिज के अंदर रखा हुआ बेचने के लिए 30 किलो के आसपास जो है मटन और चिकन रखा हुआ प्राप्त हुआ, जिसको जब मौके पर जब्त करके उसके खिलाफ़ चालानी कार्रवाई की गई और मांस को जो है नगर निगम के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड में दबा दिया गया।